पर आपका स्वागत है और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात में पहले चरण का चुनाव हो चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत को आजमाया। हमारे संवाददाता अब्बास नकवी ने खास बातचीत की आम आदमी पार्टी के विधायक पवन कुमार शर्मा से। गुजरात के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी भी अब आ चुकी है और वो भी वहां पे सीट पे लड़ रही है। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए दिल्ली से विधायक हैं पवन शर्मा जी। पवन जी, आपने पहली बार अब एक गुजरात में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के आपकी पार्टी के बाद, और आप उसमें भी आप गए हैं, क्या मानते हैं, कितनी बड़ी आप जीत हासिल करेंगे? देखिए अब्बास भाई, गुजरात में पहली बार हम आ रहे हैं और वहाँ जनता जो है गुजरात की बीजेपी और कांग्रेस दोनों से तंग आ चुकी है। जनता को जो है विकल्प चाहिए कोई, और आम आदमी पार्टी से अच्छा विकल्प जनता के पास नहीं है, क्योंकि जैसा दिल्ली में था, दिल्ली में भी जो है जनता ने परेशान होके और आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो आम आदमी पार्टी को फुल बहुमत दिया था। उसी तरीके से जो है हम, जैसे दिल्ली में हमने जो काम किए हैं वही काम हम गुजरात में भी करवाएंगे, और जो खोखले वादे बीजेपी और कांग्रेस के रहे हैं वो जनता को पता ही है। और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी जो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, तो यही काम हम वहाँ पे करेंगे। और वहाँ पे हम जो है जितने भी हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं सभी के सभी जीत के आएंगे। क्या बात है, क्या मुद्दे रहेंगे? जैसे दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी का पहले राज था, उसको आपने उखाड़ फेंका था, वैसे ही बीजेपी का वहां पे राज चल रहा है कई सालों से, सत्ता में आ चुकी है बीजेपी बार बार, लेकिन इस बार आप क्या ऐसी उम्मीदें लेके जाएंगे, क्या दिल्ली का रोल मॉडल को हम वहां लेके जाएंगे? बिल्कुल लेके जाएंगे। 22 साल से वहां पे बीजेपी है, तो विकास 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 एक ऐसा जो है लोगों के दिमाग में बीजेपी ने कर दिया है, क्या है ये विकास। वहाँ बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे जो है टॉयलेट टीचर्स के लिए टॉयलेट नहीं है, जो है वॉशरूम नहीं है, वो महिला टीचर्स जो है दो टीचर्स खड़ी हो जाएंगी और जब बाथरूम के लिए जाती हैं, मतलब कोई विकास के नाम पे वहाँ जीरो है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जीरो है। इसका प्रूफ एक और है, गुजरात में तो चलो पूरे देश को नहीं पता, तो 3 साल से जो है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। साफ तौर पर थे पवन जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से उनका जो ये नारा था कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी, उसी वादे को लेते हुए गुजरात में भी पहुंचेगी, और जितने उनके प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं साफ तौर पर उनकी जीत पक्की होगी। कैमरा पर्सन आदिल के साथ मैं अब्बास नकवी, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। और शनिवार को